मजहबी दीवारें ध्वस्त करने के लिए हर रोज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। पढ़े लिखे कुछ समझदार लोग भाईचारे की मिसाल पेश करने के लिए आगे भी आते हैं, लेकिन धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को यह पसंद नहीं आता, रास नहीं आता। चाहे यूपी के मौलाना हो या फिर केरल के, हर जगह उनकी सोच कमोवेश एक जैसी है। यूपी में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने गंगा जमुनी की तहजीब के तले दिवाली पर भगवान श्रीराम की आरती की तो उसे इस्लाम से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया। और केरल में एक मुस्लिम लड़की ने क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली तो उसके परिवार का बॉयकॉट कर दिया गया। कठमुल्लाओं की टेढ़ी नजर इस परिवार पर क्या पड़ी, वीरान हो गई ये हवेली। इस परिवार की खता सिर्फ इतनी थी कि बेटी को मर्जी से जीने का हक दे दिया, उसे उड़ने के लिए आसमान दे दिया। जिंदगी जीने के लिए लड़की ने जो रास्ता अख्तियार किया था, मजहब की दीवार को तोड़कर जिसे अपना जीवन साथी चुना था, उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक माँ बाप का बेटी के लिए यूं दिल को बड़ा कर लेना धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों की आंखों में गड़ गया। दरअसल केरल के मल्लापुरम के रहने वाले यूसुफ की बेटी जसीला ने क्रिश्चियन लड़के टिस्को टॉमी से 20 अक्टूबर को शादी कर ली। बेटी की ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए यूसुफ ने 21 अक्टूबर को बकायदा रिसेप्शन रखा। इस खुशी में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। खास बात यह है कि शादी न तो मुस्लिम रीति रिवाजों से हुई और न ही ईसाई धर्म के अनुसार हुई। यही बात कुछ धर्मांधों को खटक गई। मदारुल इस्लाम संघम महल्लू कमेटी ने बकायदा लिखित फरमान जारी कर पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया। इंसानियत को धर्म के डब्बे में बंद कर यूपी में भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने उन महिलाओं को इस्लाम से बाहर करने का फतवा जारी किया था जिन्होंने दिवाली में आरती उतारी थी श्री राम की। अगर एक अल्लाह की परस्तिश करेंगे, पूजा करेंगे, उसकी आरती करेंगे तो वो मुसलमान रहेंगे। अगर उन्होंने अल्लाह को, एक अल्लाह को छोड़कर दूसरी किसी की भी आरती की, चाहे राम जी की हो, चाहे किशन जी की हो, चाहे कोई और हो, अगर उनकी करते हैं तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती हैं, मुसलमान ही नहीं रहती हैं। हालांकि इन मौलानाओं के मनमानी के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं खड़ी हो गई हैं। गंगा जमुनी तहजीब वाले मुल्क में ऐसे फतवा देने पर आग बबूला हुई मुस्लिम महिलाएं अब कानून का दरवाजा खटखटाने वाली हैं। उन फतवों को हम लोग खारिज करते हैं और उनके खिलाफ एक लीगल नोटिस देते हैं कि वो पहले हमें फतवे की कॉपी उपलब्ध कराएं, जिससे हमें आगे कानूनी लड़ाई लड़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि ये देवबंद के मौलाना खुद इस्लाम से पहले से ही खारिज हैं। दरअसल धर्म की एक मुश्त ठेकेदारी का दावा करने वाले ये तथाकथित मौलाना बेटियों के पैर में धर्म की बेड़ियां डालना चाहते हैं, लेकिन 21वीं सदी की ये बेटियां आसमान में उड़ना चाहती हैं, अपने लिए खुद रास्ता बनाना चाहती हैं। यही वजह है कि 3 तलाक के बाद अब ये मुस्लिम बेटियां कहीं फतवा के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी में है तो कहीं इश्क को आखिरी अंजाम तक पहुँचा रही है बिना किसी की परवाह किए हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जरा महंगाई की। तो महंगाई का सूचकांक एक बार फिर चढ़ रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और दिल्ली से लेकर कानपुर और बनारस से गोरखपुर तक टमाटर और प्याज के भाव लोगों के खाने का स्वाद खराब कर रहे हैं। आलम यह है कि सब्जियां अब आम आदमी की थाली से गायब हो रही हैं। अगर जल्द मंडियों में सब्जी की आवक नहीं बढ़ी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। आम आदमी की थाली अब खाली हो रही है। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम अब लोगों को रुला रहे हैं। टमाटर के शौकीनों की थाली से जहां टमाटर गायब है तो वहीं प्याज भी अब आंसू निकाल रहा है। किचन का बजट शेयर बाजार के सूचकांक की तरह दिन रात बढ़ रहा है। कानपुर यूपी का एक बड़ा औद्योगिक सेंटर है। यहां सब्जी का थोक मार्केट है जहां से आसपास के कई जिलों को सब्जियों की आपूर्ति होती है। कानपुर के थोक बाजार में आलू 15 रुपए किलो बिक रहा है तो टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि गोभी 40 रुपए और शिमला मिर्च 80 रुपए किलो के भाव से बिक रही है। बात अगर प्याज की करें तो यहां प्याज के भाव 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है। महंगी इस मारे हो गई, क्या नाम है, मूली अब वहाँ से जहाँ जाती है वहाँ जो कम हो गई, और जो है यहाँ से बाहर भेजने लगे।
सब्जियों की आसमान छूती कीमतों से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी अछूता नहीं है। काशी में भी टमाटर और प्याज के भाव लोगों को रुला रहे हैं। वाराणसी में टमाटर 80 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि प्याज 50 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। पीएम के संसदीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आलम यह है कि कई सब्जियों के दाम तो पिछले कुछ दिनों में ही दोगुना तक पहुंच गया है। कॉस्टली तो हो गई है। इनफैक्ट इन लोगों से बात करने पर यह पता लगता है कि जो बड़ी मंडी है वहाँ पे वो लोग मंडी के नाम पे काफी टैक्स ले लेते हैं। 20% महंगा हुआ। हाँ, प्याज हो गया 45 रुपया 50 रुपया किलो बेच रहे हैं लोग। पत्ता गोभी बिक रहा है 1,200 रुपया बोरिया। दिल्ली में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में प्याज, टमाटर, भिंडी और बंद गोभी समेत कई सब्जियों के दामों में पिछले कुछ दिनों में तेजी आई है। दामों में आई इस तेजी से दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान हैं। तो सर आग लगी हुई है, बेचने वाला का भी खरीदने वाला का सारे पब्लिक को परेशानी है। सारे पब्लिक कुछ आड़ती ले जाते हैं, कुछ मतलब जो आड़त है चुंगी है ये सारा का सारा खर्चा किसान से लेते हैं। इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सरकार को। ये तस्वीरें हैं आजादपुर मंडी की, हमने अलग अलग कारोबारियों की राय आप तक पहुंचाई है। कुल मिलाकर कहूं तो कुछ सब्जियों की बढ़ती कीमत ने जरूर आपके खाने का स्वाद फीका किया होगा। ऐसा नहीं है कि सब्जियों के दामों में ये बढ़ोतरी अचानक हुई है, बल्कि बरसात के मौसम में उत्तर भारत के कई हिस्सों में आई बाढ़ ने सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुँचाया था, जिसका असर अब सीधे सब्जियों की कीमतों पर दिख रहा है। इसके साथ ही त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने से भी सब्जियों की कीमतों पर असर पड़ा है। हालांकि यहां बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी की थाली को खाली होने से बचाने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर सब यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज यूपी की सड़क पर उस वक्त अद्भुत नजारा दिखा जब फाइटर प्लेन सड़क को चूमते हुए हाईवे पर उतरे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन को उतारा गया, जिसमें हरक्यूलिस से लेकर सुखोई तक था। यह तीसरा मौका था जब हिंदुस्तान में एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन को उतारा गया हो। देखिए आप कैसे रनवे में तब्दील हो गया था एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ हाईवे पर कुछ यूं दिखा वायुसेना का पराक्रम। देखिए कैसे लड़ाकू विमानों ने सड़क को चूमा। भारतीय वायुसेना का बहुप्रशिक्षित युद्धाभ्यास के अद्भुत नजारे को जिसने भी देखा दंग रह गया। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अपने खतरनाक फाइटर जेट से लैंडिंग और टेक ऑफ का एक्सरसाइज किया। सबसे पहले मालवाहक विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग कराई गई। ये विशालकाय विमान को जिसने भी देखा देखता रह गया। हरक्यूलिस के बाद जगुआर की बारी थी। जगुआर को कुछ ऐसे सड़कों पर उतारा गया है। इसके बाद बारी मिराज 2000 की थी। सड़क पर हिंदुस्तान की ताकत देखकर दुनिया दंग थी। आखिरी में सुखोई 30 MKI विमान कुछ यूं एक्सप्रेस वे को छूकर निकला। अभ्यास के दौरान वायुसेना के गरुड़ कमांडो की पैनी नजर हर चीज पर रही। एयर मार्शल AS बटोला के नेतृत्व में हुए अभ्यास में 20 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्नाव के नजदीक हुए इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सड़क पर इससे पहले ऐसा भव्य नजारा नहीं दिखा है।
पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग के दौरान छोटे फाइटर प्लेन जेनेट को कोलकाता की सड़क पर उतारा गया था। हालांकि इसका सामरिक महत्व नहीं था। पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने 21 मई 2015 को फाइटर प्लेन मिराज 2000 को यमुना एक्सप्रेसवे पर उतारा गया। दूसरी बार 21 नवंबर 2016 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन के वक्त मिराज और सुखोई ने यहां टच डाउन किया था। तीसरी कोशिश में इस बार सबसे बड़ा फाइटर प्लेन का टच डाउन हुआ है। आपको बता दें कि भारत में 22 हाईवे पर रनवे तैयार करने का प्लान है। इनमें से 12 हाईवे पर रनवे बनाने की एयरफोर्स मंजूरी दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएम्स कॉर्नर। अब बात करेंगे पावर प्ले की। इस पे हम बात करेंगे उन खबरों की जो कुछ अलग हटकर हैं। ऐसी ही खबरों को आपको दिखाएंगे कुछ दिलचस्प अंदाज में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। गुजरात में राहुल अब पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में घेर रहे हैं। सोमवार को अहमदाबाद में एक रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के सबसे बड़े आर्थिक सुधार जीएसटी पर जोरदार हमला बोला और जीएसटी की नई परिभाषा देते हुए इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया। राहुल के इस बयान के बाद ट्विटर पर भी जीएसटी को लेकर लोगों की क्रिएटिविटी एकदम से बढ़ गई है। ट्विटर पर लोग अब जीएसटी की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने जीएसटी को ग्रेटली स्क्रूड अप टैक्स बताया है, जबकि एक ट्विटर यूजर ने जीएसटी को गई सरकार तुम्हारी बताया है, तो कोई इसे गलती से टैक्स बता रहा है। वहीं एक यूजर ने जीएसटी को धूम सारी दुनिया टैक्स बताया, जबकि एक यूजर ने इसे गो सेल टी बताया। लोगों की क्रिएटिविटी यही नहीं थमी। एक ट्विटर यूजर ने जीएसटी की फुल फॉर्म गब्बर सांभा टुगेदर बताया है। गुजरात में भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन माहौल पूरा चुनावी हो गया है। वोटों के लिए नेताओं के बीच बयानबाजी, वार पलटवार और खेमेबंदी जमकर हो रही है। लेकिन अब गुजरात के चुनावी रण में आतंकी हाफिज सईद की भी एंट्री हो गई है। जी हां, चौंकिए मत, आतंकी हाफिज भले ही गुजरात से सैकड़ों मील दूर बैठा हो, लेकिन गुजरात के रण में हाफिज सईद के नाम पर भी वोटों का गणित साधा जा रहा है। सोमवार को गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस आतंकी हाफिज सईद को भी पार्टी में शामिल कर सकती है। नितिन पटेल ने ये बयान ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को कांग्रेस में शामिल किए जाने के बाद दिया। नितिन पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने के लिए एक बार फिर खाम थ्योरी को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए गुजरात के अलग अलग समुदाय के बीच संघर्ष पैदा करना चाहती है। दरअसल खाम थ्योरी में के का मतलब क्षत्रिय, एच का मतलब दलित, ए का मतलब आदिवासी और एम का मतलब मुस्लिम से है। 80 के दशक में पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी ने कांग्रेस के लिए एक मजबूत वोट बैंक बनाने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल किया था। नितिन पटेल की माने तो इस थ्योरी के चलते गुजरात में कई दंगे और प्रदर्शन हो चुके हैं और आज एक बार फिर कांग्रेस उसी थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर भारत में भले ही इन दिनों ठंड दस्तक दे रही हो, लेकिन हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश में चुनावी गर्मी चरम पर है। नामांकन का काम थम चुका है और अब बारी चुनाव प्रचार की है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी की ओर से जहां पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी सबसे बड़े स्टार प्रचारक होंगे। लेकिन इन सब सियासतदानों के बीच हिमालय के चुनाव में एक नाम और सुर्खियों में है, वो है बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान का। माना जा रहा है कि सलमान खान हिमाचल प्रदेश के चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में सलमान खान के बीजेपी उम्मीदवार अनिल शर्मा का प्रचार करने के लिए आने की उम्मीद है। दरअसल अनिल शर्मा सलमान की बहन अर्पिता के ससुर हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सलमान खान इस नाते अनिल शर्मा के लिए प्रचार करने हिमाचल आ सकते हैं। सलमान अनिल शर्मा के लिए रोड शो भी कर सकते हैं। वीरभद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे अनिल शर्मा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अनिल शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के बेटे हैं। अगर फिल्मी सितारों की बात करें तो इससे पहले साल 2014 में अभिनेत्री हेमा मालिनी और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के लिए और अभिनेत्री अमीषा पटेल कांग्रेस के लिए प्रचार करने आए थे।
अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर ताजमहल आज तक सियासी बयानबाजी का अखाड़ा बना हुआ है। कोई ताज के इतिहास पर सवाल उठा रहा है तो कोई ताज को बनाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां पर सवाल उठा रहा है। इन तमाम विवादों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 26 अक्टूबर को ताजमहल का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी के इस ताज दौरे पर सबकी नजरें लगी हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ट्वीट कर पहले ही कह चुके हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ताज के सामने योगी की फोटो कैसे लगती है। हालांकि अखिलेश की ये हसरत पूरी हो पाएगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन योगी ताज के सामने जो करने जा रहे हैं वो इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। सीएम योगी अपने आधे घंटे की ताज यात्रा के दौरान ताजमहल के सामने झाड़ू लगाएंगे। योगी ताजमहल के पश्चिमी दरवाजे पर आगरा के 500 लोगों के साथ झाड़ू लगाएंगे। इसके साथ ही योगी ताज के महत्व पर एक भाषण भी देंगे। ताजमहल के सामने झाड़ू लगाने वाले योगी यूपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ताजमहल को भारत के इतिहास का दाग बताया था, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए सीएम योगी ने गोरखपुर की रैली में ताजमहल को देश का गर्व बताया था। ऐसे में सीएम योगी की इस ताज यात्रा को भी अब इसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फेहरिस्त में शामिल हैं। मुकेश ने अपनी मेहनत के बल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, लेकिन मुकेश जितने मेहनती हैं वो रहते भी उतने ही ऐशो आराम से हैं। मुंबई में स्थित उनका घर दुनिया के सबसे आलिशान और महंगे घरों की लिस्ट में शुमार है। मुकेश अंबानी के पास 500 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है, लेकिन इन दिनों ना तो मुकेश अंबानी और ना ही उनका आलिशान घर सुर्खियों में है, बल्कि उनका ड्राइवर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी अपने ड्राइवर को कितनी सैलरी देते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बताया गया है कि मुकेश अंबानी के एक ड्राइवर की महीने की पगार 2 लाख रुपए से भी अधिक होती है। जी हाँ, चौंकिए मत, मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सालाना सैलरी 24 लाख रुपए है। लेकिन मुकेश अंबानी का ड्राइवर बनना कोई आसान बात नहीं है। अंबानी का ड्राइवर बनने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस दौरान ये भी देखा जाता है कि किसी परेशानी को ड्राइवर किस तरह हैंडल कर सकता है। खास बात यह है कि अंबानी का ड्राइवर रखने के लिए बकायदा कंपनियों को ठेका दिया जाता है और हर तरह की ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ही किसी ड्राइवर को मुकेश अंबानी की गाड़ी चलाने का मौका मिलता है। तो ब्रेक के बाद सीएम्स कॉर्नर में एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आपके प्रदेश के आज के बड़े सरकारी फैसलों की। आपको बताते हैं आपके प्रदेश के सरकारी महकमों में क्या कुछ हलचल रही और कैसा रहा आपकी सरकारों का कामकाज। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 2,11,000 करोड़ रुपए के कैपिटलाइजेशन प्लान का ऐलान किया है। 1,35,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत है, निवेश, नौकरियां और विकास के लिए बैंकों को मजबूत बनाया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने 6,90,000 करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान किया है। अगले 5 सालों में 83,677 किलोमीटर सड़कें बनाने का टारगेट है। देश के सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट्स के तहत 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि एक जो हाई ग्रोथ इकोनॉमी हिंदुस्तान बना है वो स्थिति हम लोगों की कायम रहे। केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न देर से भरने वालों को राहत दी है। सरकार ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न 3B भरने में देरी करने वालों से वसूला गया जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। जेटली ने कहा कि जिन लोगों को 2G और कोयला घोटाले की आदत थी उन्हें जीएसटी जैसे कानून से परेशानी हो रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। देखिए, जिन लोगों को आदत 2G और कोल ब्लॉक स्कैम की पड़ी हुई थी उनको लेजिटिमेट टैक्स से काफी इतराज होगा। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र समृद्धि कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV बनाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने SPV को मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ मुंबई मेट्रो के प्रस्तावित मेट्रो 5 विस्तार को मंजूरी मिल गई है। ठाणे, भिवंडी और कल्याण तक जाने वाले 5 मेट्रो कॉरिडोर पर
कुल 17 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसकी कुल लंबाई 24.9 किलोमीटर होगी। इस विस्तार में लोखंडवाला से कांचूर मार्ग और ठाणे से कल्याण रूट को भी मंजूरी दी गई है, जिस पर 6,672 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने अजमेर उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम राजे ने दूदू में जनसंवाद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएम ने समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से मुलाकात की, समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को जन समस्याएं जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। वसुंधरा सरकार ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। गुर्जर आरक्षण से जुड़े बिल को सदन में रखा जाएगा। ओबीसी में 5% आरक्षण बढ़ाया जाना है। पंजाब में बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी का विरोध हो रहा है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिजली दरों में इजाफे को सही ठहराते हुए विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कैप्टन ने कहा, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी पड़ोसी राज्यों के मुकाबले पंजाब में सबसे सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है। हरियाणा विधानसभा में दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। INLD ने दादूपुर नलवी नहर की जमीन को डी नोटिफाई करने के खट्टर सरकार के फैसले को गलत बताया। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर विकास के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया। और विपक्षी पार्टियां तो हरियाणा के विकास में रोड़ा अटकाऊ पार्टियां बनकर रह गई हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अमेरिका के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज ने वॉशिंगटन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय फोरम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम शिवराज ने कहा कि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन से बहुत कुछ सीख सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के वर्ष पर हमने गरीब कल्याण एजेंडा प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश की विकास दर ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है लगातार 8 वर्षों से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में आयोजित कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि कलेक्टर और SP एक एक नहीं बल्कि मिलकर 11 होते हैं। दोनों जिले के विकास की रीढ़ होते हैं। सीएम रमन सिंह ने पुलिस अफसरों के काम करने के तरीकों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस से जनता को नहीं अपराधियों को डरना चाहिए। सीएम ने नक्सल प्रभावित जिलों में SP को ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। SP के जूते की धमक ही काफी होती है छोटे मोटे अपराध को अपने आप काबू में। यदि हो रहा है मान के चलता हूँ कि उनकी असहमति नहीं सहमति। झारखंड में रघुबर कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता अब 5% देने का फैसला किया है। 7वां वेतनमान लागू होने के बाद कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता मिल रहा था। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1500 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट होगा। इसके अलावा झारखंड नगरपालिका निर्वाचित नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।